देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है कि स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी हिस्ट्री में। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हम हिस्ट्री के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि आज हम जहाँ हैं और हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं इनके ट्रेसेस कहाँ हैं, किस तरह से इवॉल्व हुई हैं, किस तरह से ये ग्रो हुई और फाइनल स्टेज तक पहुंची है जो हमारे सामने है। और उसे हम फाइनल स्टेज नहीं कह सकते क्योंकि ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है, आगे भी ये इवॉल्व होता रहेगा। आगे ये किस वे में इवॉल्व होगा उस पाथ को ट्रेस या प्रिडिक्ट करने के लिए अगर हमें इसका हिस्टोरिकल पाथ पता हो तो हमारी प्रिडिक्शंस उतनी सटीक हो जाती हैं। सो हिस्टोरिकल स्टडीज आपकी प्रिडिक्शंस को करेक्ट बनाते हैं। हिस्टोरिकल स्टडीज आपको इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे आप फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और एक केस स्टडी के तौर पे आपके हाथ में आता है कि अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई सिचुएशंस अकर होती हैं तो पास्ट में किस तरह के डिसीजंस लिए गए, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले, हमें उसमें कहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना है और किस लेवल पे हमें उन चीजों से सीख के नए प्रयोग करने हैं या फिर एज इट इज रेप्लीकेट करना है पुरानी चीजों को। तो इतिहास का ये रोल रहता है। ऐसे में आप हर छोटी बड़ी चीज को पढ़ रहे हैं। जैसे आपके सामने आज एक मॉडर्न नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्रीज है, एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है। उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी। नाउ व्हाट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वेयर इज द रोल ऑफ पॉलिटी एंड द पॉलिटिक्स। सो द कंसेप्ट इज, ये सारे रिएक्शंस या सारे रिलेशंस जब आप स्टडी कर रहे हैं जो आज आपके लिए सरोकार रखते हैं, ऐसे में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिन्हें इग्नोर किया गया, जिनकी स्टडीज नहीं की गई उस लेवल पे, वो भी आज बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे स्पोर्ट्स की बात की है और इन्होंने स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट उठाई है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट आज बहुत सारी दुनिया की इमेजिनेशन है, बहुत सारे लोग क्रिकेट के नाम पे उठते हैं बैठते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं काम से, स्कूल से, कॉलेज से, देश एक मिनट में बटा हुआ लगता है जब रणजी ट्रॉफी होती है और अगले दिन जुड़ा हुआ दिखता है जब इंटरनेशनल क्रिकेट होता है। क्रिकेट है जो आज की डेट में ये डिसाइड करता है कि किसी राज्य के साथ या किसी देश के साथ संबंध कैसे अच्छे बनाने हैं। अगर आपको किसी के साथ पीस टॉक्स रिज्यूम करनी है तो आप क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराते हैं, अगर आपको बेटर लेवल पे चैरिटी करनी है तो आप क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराते हैं, अगर आज आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज स्प्रेड करना है इंटरनेशनल लेवल पे आप क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर एक वुमेन की नई इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की गवर्नमेंट्स वुमेन क्रिकेट को आज बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर रही हैं, सब्सिडाइज कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के क्रिकेट आज के समाज का, अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज क्रिकेट से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी बोर्ड हैं, उनका अपना ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और उनके अपने एक बजट्स हैं, और उन बजट की अमाउंट इतनी ह्यूमंगस है कि वो बड़े पैमाने पर ये तय करते हैं कि किस तरह से आगे आने वाले दिनों में उन पर्टिकुलर एरियाज की इकोनॉमी शेप होगी जहां पर ये टूर्नामेंट्स या बाकी एक्टिविटीज होंगी। कुल मिलाकर के आज ये प्लेग्राउंड्स हैं, इन्होंने अपने आप को एक न्यूक्लियस के तौर पर तैयार किया और इसके इर्द गिर्द कई तरह के नए रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं सोसाइटी और इकोनॉमी के बीच में। सो आज जो स्पोर्ट्स है वो एक फिजिकल एक्टिविटी से कहीं आगे बढ़ के एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, और अगर ये आज का बिजनेस मॉडल है और अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन है जिसके लिए देश भर में बड़े सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये करियर अचीव हो, तो इसे स्टडी करना बहुत जरूरी है। किस तरह का इसका बुनियादी ढांचा रहा होगा उस समय में जब इसका शुरुआत होती है, कैसे जब ये पूरी दुनिया में फैला तो दुनिया ने इसे एक्सेप्ट किया, इसके क्या उन पे प्रभाव रहे और इसने दुनिया से क्या सीखा, ये सब चीजें पढ़नी जरूरी हैं अगर आज आप अगर आप आज के क्रिकेट को समझना चाहते हैं। बड़ी सारी रोचक बातें हैं, वो सारी आज आपको क्लियर होंगी। आपने कभी इस बात पे सोचा नहीं होगा कि अक्सर जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है ये बैट्समैन को ही क्यों मिलता है, उसका आंसर आज आपको मिल जाएगा। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि अक्सर मोस्टली 1930 से पहले, चलिए आज तो हो जाता है लेकिन अभी भी प्रोपोर्शन वाइज बहुत कम है, लेकिन 1930 से पहले एक रूल था कि कैप्टन सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन ही होगा।
बॉलर कैप्टन नहीं होगा। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि अक्सर बैट्समैन स्पिन बॉलर ही क्यों होते हैं, फास्ट बॉलर क्यों नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। माइंड में ये बात कभी नहीं आई होगी कि जहां पे बाकी जितनी भी गेम्स हैं उनकी प्लेग्राउंड और फील्ड की डायमेंशन पहले डिसाइड होती है। क्रिकेट एक ऐसा अनूठा गेम है जिसकी ग्राउंड या फील्ड का साइज आज दिन तक डिसाइड नहीं हुआ, सिर्फ पिच का साइज डिसाइड होता है। बाकी जितने भी गेम्स हैं उसमें आपने बदलती हुई इंडस्ट्री और बदलती हुई टेक्निक की इन्वॉल्वमेंट देखी होगी। क्रिकेट आज भी उन नेचुरल चीजों से खेला जाता है जिसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। लकड़ी से बना बैट है, लकड़ी से बने हुए स्टंप्स हैं, और लेदर और बाकी नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हुई बॉल है। आज भी बॉल हाथ से स्टिच की जाती है, इंडस्ट्री मेड नहीं यूज की जाती। कुल मिलाकर के ये चीजें हमें किसी दिशा की तरफ लेकर के जाती हैं। भारत में क्रिकेट क्यों राजा महाराजाओं के द्वारा ही शुरुआत में खेला गया? क्रिकेट ने किस तरह से धर्म को जोड़ने और फिर धर्म के द्वारा तोड़ने का काम भी किया? क्रिकेट कैसे आजादी की लड़ाई में बना रहा? और कैसे हम ये देख सकते हैं कि जब भारत एक नेशन भी नहीं था तब भारत को एक नेशन होने का तमगा मिला। 1928 में ही भारत हॉकी में गोल्ड मेडल ले गया था, और मेजर ध्यानचंद को आप जानते हैं। और 1928 वो है जब भारत एक नेशन था ही नहीं। 1947 में भारत आजाद होता है और 1928 तक तो यूरोपियंस भारत को एक नेशन मानते भी नहीं है। कैसे 1932 के दौर में भारत पहला टेस्ट मैच खेलता है, इंटरनेशनल टेस्ट मैच जिसे हम कहते हैं, इंग्लैंड के साथ। ये सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाएंगे। और कैसे समय बदलता है 1970 के बाद, कि क्रिकेट एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक प्रेस्टिजियस एक्टिविटी से टोटली चेंज होकर के एक कमर्शियल एस्पेक्ट बन जाता है। बस इन्हीं चीजों को लेकर के आज हम स्टडी करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिकेट क्रिकेट बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड से आता है, ब्रिटेन से आता है। बहुत सारी ऐसी गेम्स वहां पे खेली जा रही थी लास्ट 500 ईयर्स से, जिनमें से रिफाइन हो करके एक गेम उभर के आती है, वो क्रिकेट है। उसके साथ की कई सारी गेम्स आज भी वहां पर खेली जाती हैं जो क्रिकेट से अलग हैं। क्रिकेट को अगर ध्यान से देखें तो क्रिकेट का एक बैट है, और जो बैट है ये वर्ड भी आता है एक पर्टिकुलर चीज से, दैट इज अ स्टिक। तो स्टिक से वर्ड आ जाता है बैट, या फिर क्लब, क्लब से वर्ड आ जाता है बैट। होता क्या है, कैसे ये सारा सिस्टम डेवलप हुआ? जब आप बैट्स की शेप देखेंगे तो बैट की शेप बदलती हुई नजर आएगी आपको समय के साथ। शुरुआती तौर में आपका जो बैट हुआ करता था वो नीचे से कर्व्ड हुआ करता था, जैसे हॉकी हुआ करती है। उसके कर्व होने का एक रीजन था खास। पहले के समय में जो बॉलिंग हुआ करती थी वो ओवर द आर्म नहीं किया जाती थी, वो अंडर द आर्म्स होती थी। और अंडर द आर्म बॉल जो होती थी वो जमीन के साथ रगड़ के जाती थी। तो ऐसे में बॉल के साथ मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए आपको नीचे से बैट को कर्व देना पड़ता था, जैसे आज भी हॉकी स्टिक होती है। तो दिस इज द रीजन कि रगड़ टोपोग्राफी है, पिच है, जिसमें से बॉल कभी भी लेफ्ट या राइट टर्न ले सकती है। ऐसे में आप फ्लैट बैट के साथ कभी नहीं खेल सकते हैं, थोड़ा कर्व्ड एस्पेक्ट आपको चाहिए। समय बदला, अंडर द आर्म बॉल का कंसेप्ट बदला, ओवर द आर्म बॉलिंग होने लगी। ये 1770s का दौर था उस समय का। और जैसे ही ये होने लगा, बैट की शेप बदल चुकी थी और बैट अब कर्व ना होकर के स्ट्रेट हुआ। समय थोड़ा और बदलेगा, बैट का डायमेंशन कोई नहीं होता था कि बैट का साइज क्या होना चाहिए। एक पर्सन एक बार पूरी विकेट के साइज का बैट लेके आ गया और ऐसे लगा के खड़ा हो जाता था, आउट ही नहीं होता था। फिर रूल बनाए गए कि बैट 4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फिर 4 इंच चौड़ा बैट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। कुल मिला के समय समय पर चीजें बदली हैं, और वो कैसे बदली हैं उन्हें ध्यान से देखते हैं। मैं डेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बताया जाएगा कि सबसे पहला मैच 1721 में खेला गया, फिर उसके बाद 1774 में लॉज ऑफ क्रिकेट आए, फिर 1787 में एक मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब बना, 1788 में वो फिर से रूल्स लेकर के आया। ये सारे फैक्ट्स हैं, समय पड़ने पर मैं बोलूंगा, लेकिन आप इन पे ज्यादा फोकस ना करके कंसेप्चुअल एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, उनको समझते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्रिकेट होता है इसमें दो चीज फेमस है, वो क्या? सबसे पहली बात यह है कि क्रिकेट में ही एक चीज दिख सकती है जो पूरे वर्ल्ड में किसी और गेम में नहीं दिख सकती। 5 दिन का मैच होता है और एट द एंड वो मैच भी ड्रॉ में खत्म हो सकता है।
5 दिन तक आपने गेम खेली बिना नतीजे के। आज आपको सुन के बड़ी हंसी आती होगी कि ये कितनी बेकार बात है, एक चीज 5 दिन तक चली और रिजल्ट कोई नहीं निकला। ये प्रेस्टीज है क्रिकेट की, जिसे जिसमें मैं प्रोजेक्ट किया गया था, क्योंकि यहां से एक बात ये निकली कि क्रिकेट खेलना जीत के लिए नहीं खेला जाता। क्रिकेट इज फॉर द फेयर प्ले, क्रिकेट इज फॉर द ट्रू स्पिरिट, नॉट टू विन द गेम। तो कुल मिलाकर के क्रिकेट खेलने का पर्पज ही कुछ और हुआ करता था, वही वो बताना चाहता है राइटर। तो 5 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, जिसको अगर हम बाकी फुटबॉल या जिसे हम सॉकर कहते हैं, सॉकर के साथ या रग्बी के साथ या फिर और किसी गेम के साथ कंपेयर करें, कहीं भी कंपेयरेबल नहीं है, बहुत लंबा टाइम है। ऐसा क्यों होता था, ये इसके एक ओरिजिन के बारे में बताता है कि क्रिकेट का ओरिजिन कहां से हुआ। क्रिकेट एक प्योरली विलेज बेस्ड गेम है, क्योंकि यूरोप में, खास तौर पे ब्रिटेन में, उस समय में विलेजेस में जो लोग थे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में लगे होते थे। एग्रीकल्चर उतना इंटेंसिव नहीं हुआ करता था, क्योंकि मशीन और टेक्निक उतने नहीं आए थे। इसकी वजह से होल डे जो काम है स्लो मोशन में चलता रहता था। अब खेतों में काम चल रहा है, साइड बाय साइड आप जो कॉमन लैंड है वहां पे खेल भी रहे हैं, लेकिन एक दिन में आप सारा गेम नहीं खत्म कर सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल, यू आर बिजी। अभी भी अगर आप देखें तो ये सिस्टम चलता रहता है। मैंने हमारे टाइम में भी हुआ है, जैसे खेल रहे हैं, खेलते खेलते रोटी खाने चले गए, फिर खा खू के आए, फिर खेलना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के लंबा लंबा काम चलता था और लंबा लंबा क्रिकेट रोज हो रहा है। 4 5 दिन आराम से लग जाते थे। टारगेट ये होता था कि हर टीम की डबल इनिंग को खत्म करना है बस। तो इस तरह से उस समय की नॉन मैकेनाइज्ड, नॉन टेक्निक बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, जो कि कंट्री साइड में हो रहा था विलेजेस में, उसके साथ कंड्यूसिव ये गेम, जिसका 5 दिन का नेचर बताता है कि इट इज प्योरली विलेज गेम, और ये किन के द्वारा खेली जा रही है, एग्रीकल्चरिस्ट, वो जो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। सेकेंड आस्पेक्ट अगर हम इसका डिस्कस करें, इसके ग्राउंड्स की बात करें हम, अगर आप देखें तो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर साइज या शेप का ग्राउंड नहीं मिलता है क्रिकेट का। अलग अलग शेप और साइज के ग्राउंड हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया एडिलेड की बात करें तो वहां का ग्राउंड ओवल शेप है, उसकी शेप ओवल है, ग्राउंड की भी शेप ओवल है। आपको नजर आती है जैसे बाउंड्री सर्कुलर है, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं। मोस्टली कई ग्राउंड सर्कुलर होते हैं, कई ओवल होते हैं। कहीं पे आप कमेंटेटर के मुंह से अक्सर सुनते होंगे कि यहाँ पे छक्का बड़ी आराम से लग जाता है, यहाँ पे चौका बहुत तेजी से मिल जाता है, लेकिन कुछ ग्राउंड में कहते हैं कि खिलाड़ी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है चौका लगाने के लिए, क्योंकि दर्शक दीर्घा काफी दूर है और यहाँ का मैदान काफी बड़ा है। फिर आप सुन लेते हैं कि यहाँ पर छक्के बहुत लगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का मैदान काफी छोटा है। तो मैदान बड़ा छोटा हो सकता है, समय बदला, ये डिसाइड किया गया कि ऑलमोस्ट हमें जो बाउंड्रीज हैं उन्हें सर्कुलर रखना चाहिए, लेकिन साइज अभी तक भी डिसाइड नहीं था। सेकेंड तो ये यहां से इसका ओरिजिन प्रूव होता है कि ये विलेज है। क्यों? हर एक विलेज का साइज अलग होता था और उसमें उस तरह की कम्युनिटीज रहती थी, फार्मिंग प्रैक्टिसेस करती थी, जो वहां के साइज और बाकी चीजों से रेलेवेंट है। इसी तरह से उनका एक कॉमन लैंड होता था और कॉमन लैंड का साइज भी उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होता था। तो किसी का कॉमन लैंड बड़ा होता था, किसी का कॉमन लैंड बड़ा होता था, छोटा होता था। वैसे में जब शॉट मारा जाता था तो जो जनता है वो हट जाती थी और एंड तक देखती थी कि फील्डर कहाँ से बॉल वापस ले जाता है। तो फिर वही ग्राउंड की लिमिट होती है। कुल मिलाकर के इस तरह से ग्राउंड के साइजेस हुए और वो आज दिन तक डिसाइडेड नहीं है, तो इसका ये विलेज ऑरिजन बताते हैं। तो यहां से पता लगता है कि विलेज ऑरिजन है इसका। दो चीजें हुई, चलिए, ये एक बहुत बड़ी प्री इंडस्ट्रियल गेम है, यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड की गेम है। 16वीं शताब्दी से क्रिकेट खेला जा रहा है रमन, बड़े लंबे समय से, ठीक है? ऐसा नहीं समझ लेना कि अभी अभी जब हमने देखना शुरू किया तब से शुरू हुआ। इतने समय पुराने से जो गेम खेली जा रही है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो प्री इंडस्ट्रियल ओरिजिन है इसका, वो पता लगता है कि मोस्टली जो इसके इक्विपमेंट्स हैं वो नेचुरल हैं, नेचर बेस्ड हैं, और उन चीजों से बने हैं जो विलेज कंट्री साइड में या कॉमन लैंड में अवेलेबल हो जाते थे। जैसे कि आप इसका बैट देखें तो वो वुडन है, और कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, विलो। आज भी अगर आप बैट खरीदते हैं तो इंग्लिश विलो का बैट काफी अच्छा माना जाता है। बाद में जब फिर अदर कंट्रीज में आए तो उसमें, अगर आज आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की कश्मीर विलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो खैर मिलता ही नहीं वो बैट,
अगर मिल जाए तो उससे बेस्ट कोई बैट नहीं होता। तो विलो बेस्ड बैट, विलो बेस्ड लकड़ी बेस्ड स्टम्प और नेचुरली विलेजेस में अवेलेबल होने वाली कॉर्क, कॉर्क के साथ लेदर और फिर थ्रेड से उसकी सीम्स स्टिच करना, ये सारी चीजें बताती हैं कि इसका नॉन इंडस्ट्रियल ओरिजिन है, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज नहीं आया था उसके पहले से ये आ चुका था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इस पर प्रभाव नहीं हुआ है इस बात का पता यहां से लगता है कि इसने कभी भी खुद को बदला नहीं। टिल डेट आज दिन तक ये अभी भी अपने वही इक्विपमेंट यूज करता है। एक प्लेयर ने कोशिश की थी एल्यूमिनियम का बैट लेकर के खेलने की, लेकिन एम्पायर ने उसे मना कर दिया था, तो वो प्रैक्टिस नहीं की गई। आई बात समझ में? तो जैसे आपने कभी नोटिस नहीं किया, जब हम छोटे थे, आप पता नहीं खेले हो कि नहीं खेले, रैकेट लकड़ी का हुआ करता था एक, लेकिन धीरे धीरे हम थोड़े एडवांस हुए तो रैकेट ग्रे आयरन एल्यूमिनियम स्टील के आयरन के, और आज की डेट में देखें तो रैकेट 10-10 हजार के, ग्रेफाइट के, टेनिस के रैकेट देखें ग्रेफाइट होता है उसमें, और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका बहुत है, तभी वो 20-20, 25-25 हजार का है। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी का असर देखिए, पहले जो रैकेट की जो स्ट्रिंग्स होती थी वो कुछ अलग मटेरियल से होती थी, आज की डेट में देखेंगे तो स्ट्रिंग्स का मटेरियल ही टोटली चेंज हो रखा है। पहले जो रैकेट के ग्रिप्स हुआ करते थे उनका मटेरियल अलग था, आज का रैकेट का ग्रिप का मटेरियल टोटली अलग है। पहले जो ग्रिप्स हुआ करते थे वो मोस्टली प्लास्टिक की एक रस्सी होती थी, आज जो ग्रिप्स हैं फोम बेस्ड हैं, फोम ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो समय समय पर तकनीक बदलने पर गेम्स बदलते जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की बेसिक चीजें आज भी वही हैं, चाहे टेक्निक कितनी भी बदली हो। इससे पता लगता है कि क्रिकेट एक विलेज गेम है, लेकिन ये गेम विलेजेस में ना खेल के आज शहरों में खेली जा रही है, और शहरों में ये कॉलोनीज में खेली जाती है। तो अब आपको जवाब मिलेगा कि कॉलोनी में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। दूसरी बात, यूरोपियंस कॉलोनीज में आए हैं और कॉलोनीज में आकर के ये गेम खेली गई है, इसका भी एविडेंस मिलता है। अगर आप पहले के बैट की बात करें तो पहला बैट सिंगुलर बैट हुआ करता था, यूनिफॉर्म बैट, यानी कि हैंडल से लेकर के उसका ब्लेड सेम होता था, एक सिंगल कटिंग वुड से, सिंगल पीस ऑफ वुड से बनता था। लेकिन जब यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज में आए, यहाँ पर रेनफॉल होता था, तो रेनफॉल होने की वजह से क्या मिलेगा, केन्स, बैम्बूस। तो क्योंकि बैट में स्ट्रोक लगता है आकर के, बॉल लगती है तो हाथ में झटका लगता है, तो अगर आप न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग चीजों को एब्जॉर्ब करना चाहें तो अगर आप हैंडल केन का बना लेते हैं बैम्बू का, उसमें लचक होती है, उसमें लचक आ जाएगी, और जो ब्लेड है वो विलो का बना लीजिए, तो फिर जब आप शॉट मारेंगे तो एक तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपके हाथ को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अक्सर आप बैट प्रेस करके देखना, जो लचक होती है उसके हैंडल में, वो बैट में ची ची होती रहती है ना, लचक होती है। तो यहां से पता लगता है कि कैसे यूरोपियंस कॉलोनीज में आए, वहां पर आने के बाद बैट की फॉर्मेशन में फर्क आया और फॉर्मेशन से इम्प्रूवमेंट्स हुए, लेकिन मटेरियल में उतना फर्क नहीं आया, मटेरियल उतने ही रहे। इस तरह से हम एक चीज को ट्रेस कर पाए कि क्या इसका ओरिजिन था, क्या इसके साइजेस थे, किस तरह से काम हुआ। समय बदला, पहले जो क्रिकेट हुआ करता था एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में खेला जाता था, समय के साथ साथ इसके कुछ रूल्स बनने लगे, ऐसा कहा जाता है। देखिए ये सारी स्टेटमेंट्स ना कहीं एक्सट्रीम होती हैं, क्योंकि फिर अगर आप थोड़े कट्टर हो जाएंगे तो बहुत सी और चीजें भी मिल जाएंगी, लेकिन जो कॉमन परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की पहली गेम है जिसे कोडिफाई किया गया। कोडिफाई मतलब कि एक यूनिफॉर्मिटी, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। तो क्रिकेट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आप उनके बिना इसे नहीं खेल सकते, और इसे रूल ऑफ क्रिकेट्स कहा गया, जो 1774 में आते हैं। इसके 1774 से रूल आने से पहले एक हैम्बलडन नाम की जगह है यूरोप में, ब्रिटेन में, वहां पर पहला क्रिकेट क्लब जो है प्रॉपर बन गया था, और उसके बाद ये रूल्स बने। इसके बाद जो मैंने आपको बताया मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, वो एक्चुअल क्रिकेट क्लब है, 1787 में बना, 1788 में उसने नई रूल बुक लागू की, और उस रूल बुक से काफी सारे वो रूल्स आए जो आज आप क्रिकेट में फॉलो करते हैं। रूल्स क्या हुआ करते थे कि जो स्टंप्स हैं उनकी हाइट 22 इंचेस रहेगी, जो बेल्स हैं ऊपर बल्लियां ओवर रखी हुई हैं गुल्लियां, तो बेल्स की जो चौड़ाई है वो 6 इंच रहेगी, यानी कि जो स्टंप्स हैं वो 22 इंच ऊपर और 6 इंच चौड़े रहेंगे। इसके बाद स्टंप से स्टंप का डिस्टेंस 22 यार्ड्स का होगा, 22 यार्ड से ज्यादा नहीं होता। पिच बनाते हैं ना, पिच कदम गिनते थे ना,
24 कदम ऐसा कहते थे ना, 24 कदम दी पिच, या कोई छोटी होती थी 22 कदम की पिच, तो 22 यार्ड्स जो है पिच का डिस्टेंस रहेगा। जो बैट है इसके साइज के बारे में बाद हुई, मैंने बताया पहले नहीं हुई थी। बॉल का साइज डिसाइड हुआ कि 5 1/2 या 5 1/3 औंस की बॉल होगी। औंस में चलता था वजन वहां पे, गोल्ड का भी वजन औंस में ही आता है, तो इतने औंस की बॉल होगी। सरकमफ्रेंस अभी डिसाइड नहीं हुआ है बॉल का, बॉल भी बड़े छोटे होते थे, धीरे धीरे फिर सरकमफ्रेंस भी डिसाइड किया गया। इन सारे नियमों का पालन करके गेम चलती रही, जैसे जैसे लोग उसमें इन्वॉल्व होते रहे उसमें परिवर्तन आते रहे। मुख्य बातें क्या है जिन पे फोकस करना है वो समझिए। क्रिकेट हमें सामाजिक ताने बाने के बारे में सिखाता है, वो कैसे? सबसे पहली बात, उस जमाने में जब क्रिकेट खेला जाता था तो क्रिकेट खेलने के दो ग्रुप्स हुआ करते थे। एक ग्रुप हुआ करता था जिसे हम कहते थे एमेच्योर्स, और ये एमेच्योर हैं जेंटलमैन, और एक ग्रुप हुआ करता था जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल्स, और इन्हें कहा जाता था प्लेयर्स। तो एक क्रिकेट टीम में दो लोग मिलेंगे, एक जेंटलमैन मिलेंगे और एक प्लेयर्स मिलेंगे। आज भी अगर आप ब्रिटेन की टीम देखें, तो आज नहीं बस थोड़ी 15 साल पुरानी टीम देख लें, उसमें आपको प्लेयर्स के नाम कुछ ऐसे मिल जाएंगे, सर विलियम, सर ये, सर वो, और कुछ नाम सीधे ही मिलेंगे, क्लार्क, हेनरी, फिच, इस तरह के। तो समझ लेना वो प्लेयर्स हैं और वो वाले जेंटलमैन हैं। तो कुल मिला के जेंटलमैन और प्लेयर्स, आज भी बहुत सारे जेंटलमैन ने लेगेसी कॉन्टिन्यू रखी है। कईयों की मूछें आप देखेंगे बहुत लंबी जबरदस्त होती हैं, बालों का स्टाइल बड़ा जबरदस्त होता है, वो उस जेंटलमैन कैटेगरी से आज भी खुद को ट्रेस करते हैं। ये दो वर्ग कैसे आते हैं और इन दोनों का मतलब, इन्हें इमैच्योर क्यों कहा गया है, उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, क्यों कहा जाता था उसका कुछ रीजन था। हीरा ही आपके मतलब की बात है सारी। अमेच्योर क्यों कहा जाता था, उसके दो रीजन। पहला रीजन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस गेम को शौकिया तौर पर खेलते थे, सिर्फ शौक के तौर पर। तो जो शौक के तौर पर काम किया जा रहा है वो एक तरह से अमेच्योर काम है, मैच्योरिटी से नहीं किया जा रहा है। आई बात समझ में? और दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये इस गेम को पैसे के पर्पज, यानी कि जीतने हारने के पर्पज से नहीं खेलते थे, तो ये इनका प्रोफेशन भी नहीं था, तो ये प्रोफेशनल भी नहीं थे। ये दो रीजंस हैं। इनके बिल्कुल उल्ट वो प्लेयर थे जो पूरी लगन से मेहनत से खेलते थे, और जिनको पैसा कमाना होता था, जिनका ये उपजीविका का साधन था, उन्हें कहा जाता था प्रोफेशनल्स और प्लेयर्स। जो समाज का सबसे टॉप क्लास का सेगमेंट है वहां से बिलोंग करते थे एमेच्योर्स, यानी कि जेंटलमैन, और जो समाज का वो तबका है जिसके पास अभी खेती बाड़ी में उतना काम नहीं, फैक्ट्री में उतना काम नहीं, भुखमरी है, उसे चाहिए क्या? प्लेयर, पैसा। तो वो प्लेयर है, वो प्रोफेशनल है। तो अब अक्सर आप देखेंगे कि जितना भी मेहनत का काम है, जिसमें एनर्जी लगेगी, जिसमें हार्डवर्क, दौड़ धूप है, वो सारा काम प्लेयर्स करेंगे, और जिसमें मेहनत या दौड़ धूप या भाग दौड़ नहीं होगी वो काम एमेच्योर्स करेंगे। तो प्लेयर्स बॉलिंग करेंगे, एमेच्योर्स बैटिंग करेंगे। तो जेंटलमैन ऑलवेज बैट्समैन होंगे और बॉलर ऑलवेज प्लेयर्स होंगे। तो समाज का उचला तबका कौन था? जेंटलमैन। रूल और लॉज कौन बना रहा था? जेंटलमैन। तो अगर कभी बेनिफिट ऑफ डाउट होगा तो किसको मिलेगा? जेंटलमैन। और जेंटलमैन क्या है? बैट्समैन। अगर कभी भी टीम का कैप्टन बनना होगा तो कौन बनेगा? जेंटलमैन। और जेंटलमैन क्या है? बैट्समैन। तो कुल मिलाकर के बैट्समैन की सत्ता स्थापित रही है क्रिकेट में, क्योंकि वो बैट्समैन नहीं है, वो जेंटलमैन है, और जेंटलमैन है इमैच्योर। अब ऐसे में उसके ऊपर सवाल भी तो उठाए जाएंगे कि तुम कर क्या रहे हो इस गेम में। तो अब उनके तर्क सुनिए, जैसे सुन के सब मुरीद हो जाते थे, कहते माई गॉड यू आर ट्रू जेंटलमैन। तो वो ये सॉरी तो वो ये कहते थे, कहते सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिकेट है क्या, पहले सोच के देखो, सोचो, दिमाग लगाओ, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है, वेरी फर्स्ट थिंग। डिसिप्लिन कि 5 डेज तक किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आपको खेलना है, आप उनके बाहर नहीं जा सकते। कहते वी एम मेच्योर्स, कभी तुम जिंदगी में हमारे साथ बैठ सकते थे, खड़े हो सकते थे, बट ड्यू टू द बाउंडेशन ऑफ दैट रूल्स आज हम तुम्हारे साथ हर चीज शेयर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डिसिप्लिन्ड। तो हमें ये डिसिप्लिन इस गेम से मिला, तो तुम्हें भी अब क्या बनना है? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बनो। अक्सर आप देखेंगे उग्र बॉलर होते हैं, बॉलर उग्र होते हैं, बॉलर गालियां भी देंगे,
बॉलर बॉलिंग करने के बाद कुछ हो गया तो बॉलर ही वो भी करते हैं, बॉलर ही सारा स्लेजिंग वगैरह सब बॉलर के एंड, बैट्समैन कम ही करता है। ये बैट्समैनों के एंड पे होना शुरू हुआ जब पाकिस्तान और इंडिया ये बाकी की टीम है, लेकिन अदर टीमों को, वहां की टीमों को देखेंगे तो बॉलर ज्यादा करता है, बैट्समैन नहीं करता। तो बैट्समैन जेंटलमैन उसे कह रहा है कि तुम भी सभ्य बनो, तो ये हमारी तरफ से चलाई गई एक मुहिम है तुम्हें सभ्य बनाने की, सिविलाइज बनाने की, पहली बात। दूसरी बात, ये एक फेयर प्ले है। फेयर प्ले का मतलब कि हम ये सिर्फ इसलिए नहीं खेल, हम ये सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि हम चाहे सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट से बिलोंग करते हों, लेकिन सोसाइटी के प्रति हमारी ड्यूटी है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होना जरूरी है। वो कैसे होगा? जब आपको फिजिकल फिटनेस होगी, जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी कि सोसाइटी के बाकी सेगमेंट्स भी आपके साथ मिलके खेलते हैं, और जब आपको इनकम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमारा इस गेम में होने का मतलब है कि सत्य स्थापित है, यानी कि नियम स्थापित हैं। हम सिर्फ गेम फेयर प्ले के लिए खेल रहे हैं कि हम गेम की फेयरनेस को मेंटेन किए हुए हैं। यह हमारा दूसरा कारण था। तीसरा कारण उनका कि सबसे पहला एस्पेक्ट अगर हम देखें कि क्रिकेट असल में खेला ही क्यों जाए, मतलब कि एक गेम जो है उसका पर्पस क्या है, कि वो आपको सिखाना क्या चाहता है, आपको एक हायरार्की बताना चाहता है वो, कि हर चीज में एक ऑर्डर होता है, एक हायरार्की होती है, विदाउट हायरार्की आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यानी कि एक बैट्समैन, एक कैप्टन होगा, एक वाइस कैप्टन होगा, और फिर उसके बाद प्लेयर्स आएंगे। सेकंड एस्पेक्ट, एक बैट्समैन होगा, एक बॉलर होगा, विकेट कीपर होगा और फील्डर्स होंगे, और ये सारे के सारे जितने भी सुप्रीम हो कोई मैटर नहीं करता, दो अंपायर होंगे और ये अंपायर के डिसीजन के अंदर है। तो आपने कभी एक लाइन क्रिकेट में सुनी होगी बड़ी खतरनाक, अंपायर्स डिसीजन इज फाइनल डिसीजन, कि जो उसने कह दिया वो विधि का विधान है, बस अब इसे तुम नहीं टाल सकते बेटा, इसको तो मानना ही पड़ेगा। तो ये हायरार्की आपको समाज में कल को बेटर वे में लीडरशिप क्वालिटी सिखाएगी, कि लीडरशिप कैसे होती है, कि कैसे सोसाइटी को लीड करना है, क्योंकि सोसाइटी में भी एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी ना, एक ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो ऑर्डर आपको पहले ही क्रिकेट से आ जाता है। अगली बात, ये आपको ट्रू स्पिरिट सिखाती है कि ट्रू स्पिरिट क्या होती है। कभी भी जीतने वाला हारने वाले से कोई भेदभाव नहीं रखता, कभी भी हारने वाला जीतने वाले को कभी घमंड नहीं दिखाता। तो अक्सर आप देखते होंगे हारने के बाद आपको एक बात नहीं कहते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ, होती होती अंदर कुछ नहीं, अब गुस्सा ही चढ़ा होता है कि मतलब ये, लेकिन फिर भी वो जो एक आजकल सबसे ज्यादा टेनिस में होता है, हारते सारी नेट के पास जाके ऐसे हाथ मिला लेते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो कुल मिलाकर के ये ट्रू स्पिरिट है, ये सच्ची एक सोच है जिसके लिए हम खेलते हैं, इसका पर्पज ये है। तो वो ट्रू स्पिरिट हम अपहेल्ड करना चाहते हैं। ये हमारा बेसिक एस्पेक्ट था। अगली बात, ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि क्रिकेट क्या है। ऑल अदर गेम्स आर इंडिविजुअल गेम्स, क्रिकेट इज अ टीम गेम। यहाँ पे एक बंदा 11 में घुस गया है और 11 एक बंदे में आ गए, यानी कि जब मैं जीतूंगा मैं नहीं जीतूंगा 11 जीतेंगे, जब मैं हारूंगा मैं नहीं हारूंगा 11 हारेंगे। ऐसा ही नेशन होता है, आपका हर उठाया कदम पूरे नेशन पे असर करता है, और नेशन के द्वारा उठाए गए कदम आपकी लाइफ पे असर करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इसे टीम गेम के तौर पे लेना है, तो इसलिए इसे टीम गेम कहते हैं ना। तो कुल मिला के ये आपको ये सिखाता है कि टीम की फॉर्म में आपको कैसे खेलना है, टीम की फॉर्म में आपको कैसे खेलना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, फेयर प्ले, ट्रू स्पिरिट, हायरार्की, टीम गेम, ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स बता करके उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि क्रिकेट में हम क्यों हैं और तुम क्यों हो, हम क्यों खेल रहे हैं और तुम क्यों खेल रहे हैं, और ये सिस्टम आगे चलता रहा। और उन्होंने यही बताया कि हम जीत हार के लिए नहीं खेलते, इन सारे प्रोसेसेस से हमारा कोई मामला या मसला नहीं, इन सारे रीजंस की वजह से खेलते हैं जो आपको भी बताया गया। सिस्टम बदला, ब्रिटेन में ये कहानी चलती रही, क्रिकेट गेम खेली जाती रही। उसके बाद क्रिकेट अब ब्रिटेन से बाहर निकलेगा और देखिए क्या क्या असर करेगा। सबसे पहली बात तो क्रिकेट जो है एक इंटरनेशनल गेम नहीं बन पाया उतनी जल्दी जितनी जल्दी उस समय में फुटबॉल और हॉकी इंटरनेशनल गेम बना। हॉकी का भी जन्म कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स है, ब्रिटेन में कई सारी अलग अलग गेम खेली जाती थी, यहां से एक गेम निकली है हॉकी, तो वो इंटरनेशनल गेम्स बन गई। और ये नहीं बन पाई क्यों, ये कॉलोनियल गेम बनी। जहां जहां पर ब्रिटिशर्स गए थे वहां वहां पर उन्होंने इस गेम को प्रमोट किया और वहां पे ये गेम खेली जाने लगी। अब उन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में इस गेम का पर्पस क्या था उसको समझिए। सबसे पहला काम तो यह है कि इस गेम के थ्रू भी ब्रिटिशर्स ने अपना वो एजेंडा पूरा किया जिसको वो ये कहते थे कि हमारी अटमोस्ट ड्यूटी है
कि आपको सेल्फलेस हो करके सिविलाइजेशन का पाठ पढ़ाना, तो हम आपको सिविलाइजेशन देने आए हैं। ये उनका पहला नारा था, लेकिन ऐसा कहते हुए कभी भी उन्होंने इन लोगों को क्रिकेट खिलाने की कोशिश नहीं की। यानी कि क्रिकेट एक बहुत बड़ा जरिया बना सेग्रीगेशन का। इसका नमूना आप देखेंगे जब बड़े पैमाने पर साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट आया था। इस अपार्थाइड मूवमेंट के दौरान अफ्रीका में किसी भी ब्लैक प्लेयर को क्रिकेट टीम में एंट्री नहीं थी, तो आप कई सालों तक ऑल व्हाइट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम देखेंगे, आपने देखी भी होगी। यही रीजन है कि 1970 तक आते आते वर्ल्ड की सभी कंट्री ने अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के साथ गेम खेलना बंद कर दिया था। तो कैसे क्रिकेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करता रहा है कोल्ड वॉर के दौरान, आई विल टेल यू। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इसके ये आए, और इससे एक सेग्रीगेशन की पॉलिसी फॉलो होती है। मोस्टली आप कहाँ कहाँ गए? ट्रॉपिकल कंट्रीज, जैसे आपने रूल किया कैरेबियन आइलैंड्स पे, यानी कि उसको हम कंबाइंडली क्या कह देते हैं, वेस्ट इंडीज एरियाज। फिर आप आकर के कहाँ सेटल हो गए हो? इंडिया में। और फिर आप कहाँ चले गए हो? अफ्रीका में। तो इन एरियाज में आए हैं। क्या आपने कभी दिमाग से नहीं सोचा, कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ उस लेवल पे, इसलिए अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, जापान, इनकी क्रिकेट टीम में नहीं है। क्लियर कट। तो क्रिकेट टीमें कहां से मिलेंगी जहां पे कॉलोनाइजेशन है? सो कंसेप्ट फिर उनकी अपनी गेम में है, वो अपनी गेम खेलते रह जाते हैं। तो यस, और आपने ये चीज स्ट्रांगली देखी होगी कि क्योंकि अमेरिका ने खुद को ही आजाद किया है उन्हीं ब्रिटिशर से, तो उन्होंने कहा भाड़ में जाए क्रिकेट, तो क्रिकेट वो खेले ही नहीं कभी, उनका फोकस ही दूसरी गेम्स के ऊपर था। तो ये सारी चीजें अमेरिका ने हमेशा दिखाया कि वी आर ऑलराउंडर मैस्कुलिन, और हम हर तरह का काम कर सकते, तो वो हमेशा जिमनास्ट में ऊपर रहे हैं। फिर जहां पे क्रिकेट नहीं, उन कंट्री को नोटिस करिए, अब अमेरिका को, चाइना को, जापान को, सेंट्रल एशियन कंट्री को, दे आर गुड इन जिमनास्टिक्स, सो दे आर गुड इन ओलंपिक्स, दैट इज द कंसेप्ट। तो ये पूरा का पूरा एक पृष्ठभूमि है पिछले 300 साल की, अगर इसे समझ लें हम। तो अब ये आए और इन्होंने क्या किया, शुरुआत में इनको देख देख करके लोग जो है वो खेलना चाहते थे, क्योंकि गेम बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो वहां के लोकलाइट लोगों ने इन्हें नकल मार के देख करके अनऑफिशियली अनप्लैंड मैनर में खेलना तो शुरू कर दिया। इसे हम अनप्लैंड क्रिकेट कहेंगे, इसे क्लब क्रिकेट नहीं कहेंगे। क्लब क्रिकेट वो क्रिकेट है जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके खेला जाता है। हम जो पार्क में